हेलो एवरीवन। तो ये है छोटा सा टेक्सेस सेज का प्लांट, जिसको कि मैंने अपनी लोकल नर्सरी से 50 रुपीज़ में लिया था। बाकी जो इसका प्राइस रहता है वो अकॉर्डिंग टू साइज होता है, गमले में लगा हुआ है या पॉली बैग में है। नहीं तो आपको अगर इसकी कटिंग कहीं से मिल जाती है, मोटी पेंसिल पेन जितनी कटिंग, आप आराम से मिट्टी में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। खाद की भी इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मौसम के हिसाब से फ्लावरिंग होती है। जब भी बारिश आने वाली होती है, उसके कुछ दिनों पहले इसमें फूल कलियां बनने लग जाती हैं। 6 to 7 आवर्स की सनलाइट दीजिए, कोई पेस्ट अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक कमी है, वो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो पूरा 1 साल का अपडेट के साथ होने वाला है। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है, जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट करती हूँ प्लांट लगाने के लिए। और विद रिजल्ट अपडेट के साथ में आपसे शेयर होता है वीडियो, उसी तरह आप भी मुझे मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही अपडेट और रिजल्ट के साथ में वीडियो हमेशा लाती रहूं। क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है ये जानना कि मैंने पौधे को जब लगाया था उसके कितने दिनों के बाद में फूल कलियां उसमें बनेंगी। तो आई होप आप भी एक्साइटेड रहते होंगे जब भी आप नया प्लांट लेकर आते हैं, लगाते हैं, कब उसमें फूल कली फल जो भी है वो आएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो के साथ। तो अभी टाइम चल रहा है अप्रैल का और मुझे इस प्लांट को लाए हुए हो गए हैं 3-4 दिन। चलिए अब इसको लगाते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि नर्सरी से लाते वक्त ना हमेशा छोटा प्लांट लेकर आना है, ताकि वो घर के एनवायरनमेंट में आपके जो है ना अच्छे से सेटल हो जाए। तो सबसे पहले ना मैं इसकी अच्छे से रूट्स डेवलप कराना चाहती हूँ, तो मैं इसको छोटे गमले में लगा रही हूँ। लिया है मैंने यहाँ पे 8 इंच का जो गमला होता है प्लास्टिक का नर्सरी वाला, वही है जिसके अंदर अच्छे खासे आपको ड्रेनेज होल मिल जाते हैं, तो उसको कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी मिट्टी बह जाएगी सारी। उसको कवर करने के लिए आप कोई भी कॉटन का कपड़ा, नारियल का छिलके या फिर पत्थर कंकड़ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि उसमें से मिट्टी ना निकले, जो फालतू का पानी रहता है वो निकल जाए बाहर। फिर कुछ सूखे पत्ते मैंने डाल दिए हैं, तो ग्रो बैग से आराम से निकालना है कट करके, ताकि जो जड़ें हैं वो टूटे ना, डिस्टर्ब ना हो हमारा रूट बॉल। और ये प्लांट लगा हुआ है रेत वाली मिट्टी में, तो इसको बदलने की हमें जरूरत नहीं है, एज इट इज हम लगा देंगे। यहाँ पर जो मैंने मिट्टी तैयार करी है, वहाँ मैंने आधा हिस्सा जो नॉर्मल मिट्टी रहता है वो लिया है, आधा हिस्सा जो रेत होती है, जो नदी किनारे जो मिट्टी होती है वो लिया है, और बस हल्की सी एक मुट्ठी से भी कम जो गोबर खाद मिलाई है वो है, मिक्सचर बना के मैंने इस प्लांट को लगा दिया है। पौधा मेरा थोड़ा सा टेढ़ा था, तो मैंने उसको ऐसा लगाया है कि वो सीधा लगे, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी क्योंकि आगे का पोर्शन जो है वो थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसके बाद मैंने अच्छे से ना भर के इसमें पानी दिया और प्लांट्स के बीच में रख दिया। तो मेरा जो प्लांट था वो बिल्कुल सही था, उसकी जड़ें नहीं टूटी थी। अगर आपको ऐसा प्लांट मिलता है जिसकी जड़ें टूट गई हैं, तो आप उसको तुरंत लगा लें और हवादार छाया वाली जगह पे रखें, धूप वाली जगह पे एकदम से ना रखें पौधे को, भले ही वो धूप वाला प्लांट है तब भी, क्योंकि जब पौधे की जड़ें टूटती है ना, तो अपने आप को रिवाइव करने के लिए प्लांट को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो उसके हिसाब का उसको मौसम दे दें। और ये देखिए हमारा पहला अपडेट, आज है 1 जून और मेरे प्लांट के अंदर जो है वो कलियां आ रही है। इतना छोटा प्लांट है, मुझे लग नहीं रहा था ये पहले साल में फ्लावरिंग करेगा, बट हाँ इसमें फूल आने वाले हैं और ये 4 जून को जो है इसमें फूल खिल गए। मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइजर के अलावा कोई सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं दिया है। लिक्विड फर्टिलाइजर आपको ऐसे देना है, जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे तब आप इसमें पानी डालें, किसी भी फल या फिर सब्जी के छिलके का बना सकते हैं। इसके फूल पर्पल पिंक ऐसे कुछ कलर के होते हैं, जो कि 2-3 दिन से ज्यादा रहते हैं पौधे पर, उसके बाद में बीज बनते मैंने तो नहीं देखा अपने प्लांट पर। इसके फूलों में कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन काफी सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इसके तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे बीज हो गई, तितली, मधुमक्खी, ये सब बहुत ज्यादा इसके फूलों पर आती है। बारिश होने के पहले आपको इसमें फ्लावरिंग नजर आती है, लेकिन जब बारिश का पानी इस पे पड़ता है तो इसके फूल जो है वो झड़ जाते हैं, फूलों को नुकसान पहुंचाता है इसका पानी बारिश का जो होता है। इस प्लांट को आप आराम से हेज के रूप में लगा सकते हैं, किसी भी एरिया को कवर करने के लिए। ऑर्नामेंटली भी ये यूज़ कर पाते हैं आप, क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं वो हरी तो है नहीं, एकदम डस्ट की जैसी रहती हैं, सिल्वर डस्ट जो रहता है उसके जैसा इसके पत्तियों का कलर होता है। तो जब इसके अंदर फूल नहीं होते हैं तो इसकी पत्तियों से भी आपका जो गार्डन एरिया है वो सुंदर लगता है। और ये अपडेट है नवंबर का, जिसके अंदर ये लास्ट फूल जो है बचा हुआ है। इस प्लांट के अंदर कोई पेस्ट अटैक नहीं है, लेकिन मैंने जो एक प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो ये है कि विंटर के टाइम पे जो इसकी स्टेम होती है इसमें ब्लैक ब्लैक सा कुछ हो जाता है,
और प्लांट भी आपका हेल्दी नहीं दिखता है, तो उस वजह से आपको लगेगा कि विंटर में आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता। मैंने जब इसकी स्टेम्स पे ब्लैक ब्लैक फंगस टाइप का कुछ था वो देखा था, तो मुझे लगा था कि ये ना डाई बैग सा हो रहा है। तो जब मैंने उस स्टेम को खरोच के देखा तो वो ग्रीन था, तब मैंने अपने पौधे के ऊपर राख डाल दी, जो लकड़ी की राख होती है जो हम ठंड के टाइम पे कभी कभार जलाते हैं, वो राख डाली मैंने अपने प्लांट पर। पानी जो है आप इसको ऊपर से भी दे सकते हैं, लेकिन ठंड में हम इतना पानी देते नहीं है, तो इस पे राख जो थी वो बनी रही थी, तो उसने अच्छा काम किया ब्लैक फंगस हटाने में। विंटर के टाइम पे ज्यादा पत्ते नहीं झाड़ता ये प्लांट, बट आपको कोई ग्रोथ नजर नहीं आएगी। समर का प्लांट होता है तो मैंने इसको फॉग से बचाने के लिए प्लांट्स के बीच में रखा था। यहाँ पे फरवरी के टाइम पे देखिए जो इसमें ना पत्ते नए नए निकल के आ रहे हैं अब, और फिर फरवरी के टाइम पे ही मैंने इसको 12 इंच के प्लास्टिक के गमले में शिफ्ट कर दिया था। ये देखिए इसके अंदर जो जड़ें हैं इसकी गमले से बाहर आने लगी, तो मैंने इसको शिफ्ट करना ही सही लगा, क्योंकि प्लांट काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ रखता है। ऊपर से भले ही आपको ज़्यादा ग्रोथ नज़र ना आए, लेकिन इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। अब ये 12 इंच के गमले में आराम से 2-3 साल तक रगा रहेगा, उसके बाद में जब इसमें फिर से रूट बाउंड हो जाएगा तो इसके पौधे को निकाल के जड़ों को काट छाट कर इसी गमले में वापस से थोड़ी सी और नई मिट्टी लगा के मैं इसको लगा दूंगी। और अब देखिए ये अपडेट रिपोर्टिंग के बाद भी जो है ना जुलाई में इसमें फूल आ गए हैं। मई जून के टाइम पे भी आप इसको आराम से धूप में रख सकते हैं, सारे मौसम को अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। ये प्लांट पॉइजनस नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें जो फूल है वो बारिश से पहले ही आते हैं जैसा लोग बोलते हैं अक्सर, क्योंकि मैंने नर्सरी पे भी ना इसमें अप्रैल मार्च के टाइम पे भी फूल आते हुए देखे हैं। जमीन में लगे हुए प्लांट की जो हाइट है वो 6-7 फीट तक चली जाती है। गमले में आप जो है हाइट को मेंटेन कर सकते हैं काट छाट करके। टेम्परेचर जो है इसको 30-40 डिग्री जो है वो अच्छा लगता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको पूरा अपडेट दिया है कि सीजन के हिसाब से इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया था तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज, और ऐसे ही मोटिवेट करें, सपोर्ट करें।